गुड मॉर्निंग क्लास सर, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 12th रीडर पार्ट रिप वॉन विंकल। यहाँ पर आप देखोगे कि वार्म अप में है रिप वॉन विंकल द मैन, एक ऐसा व्यक्ति है हु स्लेप्ट फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स, 20 सालों तक सोता रहा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्ट्रेंज ड्रिंक, किसी ड्रिंक की वजह से। ठीक है, एवरीथिंग चेंज्ड इन बिटवीन एंड व्हेन ही रिटर्न टू हिज विलेज, जब सब कुछ बदल गया था उसी दौरान तो क्या होता है कि वो अपने गांव वापस आता है। इवन द विलेजर्स कुड नॉट रिकोगनाइज हिम, उसको पहचान नहीं पाते हैं। कुड ही मैनेज टू प्रूव हिज आइडेंटिटी, लेट्स द रीड एंड फाइंड आउट, क्या उसे पहचान पा सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले तो आपको इसका 3 पेजेस कम से कम आपको वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजना है एज़ यूजुअल, क्योंकि बिना पढ़े आप लोग समझ नहीं पाओगे, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस पेज को, अगले वाले पेज को और अगले वाले पेज को भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजेंगे। ठीक है, मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले की बात है, देयर लिव्ड अ मैन, एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रिप वॉन विंकल था, इन अ लिटिल विलेज, एक छोटे से गांव में अमेरिका के। ही वॉज ए वेरी जेंटल एंड काइंड, वो बहुत ही दयालु और सभ्य व्यक्ति था। द पीपल ऑफ द विलेज लव्ड हिम, उसको बहुत प्यार किया करते थे गांव वाले, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प, क्योंकि दूसरों की हमेशा मदद किया करता था। एंड रेडी टू डू ऑल दियर पैल्ट्री जॉब, और कोई भी छोटे मोटे जॉब करने में उसे कोई मुश्किल नहीं होती थी। ठीक है, और टफ वर्ड मीनिंग आपको बता दूं ताकि इजी रहेगा पढ़ने के लिए, है ना। तो यहाँ देखिए, पैल्ट्री का मतलब होता है स्मॉल जॉब, जैसे मैंने बोला छोटे मोटे कोई जॉब भी करने में उसे मुश्किल नहीं होती थी। विच इज कोई बुरी औरत होती है जो मतलब कि मैजिक शो करती है, जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं। वीड वाइल्ड प्लांट को कहते हैं। इल क्लैड का मतलब होता है पुअरली ड्रेस्ड, ठीक है, मतलब जो फटा पुराना कपड़ा पहनता है उसको इल क्लैड कहते हैं। एस्ट्रे का मतलब गुम हो जाना, खो जाना। एनोयड मतलब क्रोधित होना। स्कोल्ड मतलब डांटना। आइडल मतलब होता है लेजी। टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा आना। वुड्स मतलब जंगल को कहते हैं। बी वाइल्डर्ड मतलब किसी भ्रम में पड़ जाना। अगला केग, ड्रम को कहते हैं जिसमें बियर बनाई जाती है, ठीक है। ट्रज का मतलब होता है टहलना। थंडर का मतलब होता है जैसे बादल की गड़गड़ाहट होती है, कोई आवाज़ करना। सन बर्न का मतलब होता है किसी तरह से स्किन का जल जाना। स्टॉकिंग एक लंबे सॉक्स को कहते हैं। एक्साइटेडली मतलब होता है कि उत्तेजित हो जाना। विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसा के बातें करना। ड्राउजी मतलब होता है स्लीपिंग की कंडीशन में आना। वैनिश्ड मतलब होता है गायब हो जाना। रस्टी का मतलब होता है जिसमें जंग लग जाते हैं, उसको रस्टी कहते हैं। अगला होता है डिज़र्व, जब कोई चीज़ को मतलब कि कैपेबल होता है उसे डिज़र्व कहते हैं। अगला होता है हम हंटेड मतलब शिकार करना। पियर, फियर मतलब होता है सरप्राइज होना, ठीक है। अगला एक्सपेक्ट, किसी चीज़ की आशा करना। टैटर्ड मतलब होता है फटा हुआ। स्टेयर मतलब घूरना। ये सारे आपके टफ वर्ड हैं जिसकी मीनिंग मैंने आपको बता दी। अब आगे आपको यहाँ पे समझने कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक पढ़ दिया था। द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज वर वेरी फॉन्ड ऑफ रिप, जो बच्चे थे वो मतलब कि क्या है कि वो रिप के काफ़ी मतलब कि रिप को बहुत प्यार करते थे। रिप के मतलब के खेलना उसे पसंद करते थे। रिप के साथ बातचीत करना पसंद करते थे। वेन एवर दे वर दे सॉ रिप, जब कभी वो रिप को देखते थे, शाउटेड विद जॉय, खुशी के मारे उछल पड़ते थे। दे न्यू डैट ही लाइक्ड नथिंग बेटर देन टेकिंग पार्ट इन दियर गेम्स, कहता कुछ भी अच्छा नहीं लगता था बजाय कि मतलब कि रिप से बात करना, ठीक है। मतलब गेम को भी छोड़ दिया करते थे जब रिप उनको दिख जाता था। ही मेड टॉय फॉर देम, वो उनके लिए खिलौने बनाया करता था। एंड टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, और वो भी बताया करता था किस तरह से हम पतंग उड़ाते हैं। टू प्ले अ मार्बल्स, और साथ ही साथ किस तरह से हम कंचे खेलते हैं। ऑफन ही वुड सिट इन द कूल शेड, ज़्यादातर वो पेड़ की छांव में बैठ जाया करता था। एंड टेल देम टू फाइंड टेल्स, और उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करता था। इंडियन विचेज एंड फेरीज, ठीक है, जादूगर और परियों की। ओनली थिंग्स डैट मेड रिप अनहैप्पी, केवल कुछ ही चीज़ें थी जो मतलब कि रिप को बिल्कुल नाखुश करती थी। ही डिसलाइक्ड हार्ड वर्क, ठीक है, वो मतलब कठिन मेहनत काम नहीं कर रहा था। इट वॉज द रीज़न, कारण यह था, ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर ऑलवेज हंग्री, उसकी पत्नी और बच्चे हमेशा क्या होते हैं, भूखे रहा करते थे। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 90 पर। अगर देखो, एंड इल क्लैड है, फटे पुराने कपड़े पहनता था। हिज लिटिल फॉर्म टू, छोटा सा खेत था। वॉज बैडली केप्ट,
वो मतलब कि बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था। वीड्स ग्रू ऑल ओवर द ओवर इट एंड फेंसेस वर ब्रोकन। यहाँ पे कहने के मतलब कि उसके खेत में जो होता है जंगली पौधे उगाया करते थे, ठीक है, और उसके जो बाड़ थी वो भी टूटे की कंडीशन में था। हिज काउज वर ऑलवेज गोइंग एस्ट्रे, और उसकी जो गाय होती हमेशा भटक जाया करती थी। हिज वाइफ वॉज मच अनॉयड विद हिज हैबिट, उसकी आदत से उसकी पत्नी हमेशा नाराज रहा करती थी, गुस्से में रहती थी। डे बाई डे शी वुड स्कोल्ड हर हस्बैंड, दिन प्रतिदिन वो फिर उसे अपने पति को डांटने शुरू कर दी। वॉट एन आइडियल, कितनी सुस्त, गुड फॉर नथिंग, तुमसे कुछ नहीं हो सकता फेलो, उस टाइप के तुम फेलो हो, ठीक है। शी वुड टेल, साथ ही वो भी ये डांटती थी, वाई कांट यू डू अ लिटिल वर्क ऑन योर फॉर्म, तुम खेत में कुछ छोटा मोटा काम क्यों नहीं कर लेते, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द विलेज चिल्ड्रन, बजाय बच्चों के साथ खेलने के और स्लीपिंग या सोते रहने से। हाउ एवर रिप वुड नॉट से अ वर्ड इन रिप्लाई, जैसे भी हो रिप जो है उसका जवाब नहीं देता था। इंस्टेड ही वुड गो टू द विलेज, बजाय गांव जाने के, वंस मोर एंड वेट देयर अंटिल हिज वाइफ्स टेम्पर हैड क्रूल डाउन, और हमेशा इंतजार करता था कि उसकी पत्नी का जो गुस्सा है वो ठंडा पड़ जाए। वन डे एवरीथिंग वेंट रॉन्ग विद रिप व्हेन हिज वाइफ स्कोल्डेड हिम मोर देन शी हैड एवर डन बिफोर, एक दिन क्या होती है उसकी पत्नी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा करती है। दिस टाइम रिप डिड नॉट गो टू द विलेज एज यूजुअल, और हमेशा की तरह रिप फिर से नहीं जाता है, घर लौटता नहीं है। टेकिंग हिज गन अपॉन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर बंदूक रखकर, कॉलिंग हिज फेथफुल डॉग वुल्फ, ठीक, अपने डॉग को, उसने अपने डॉग का नाम वुल्फ रखा था, ही सेट ऑफ वॉन्डर अमंग द वुड्स एंड हिल, जो मतलब कि उसके साथ हमेशा जंगलों और पहाड़ियों पर घूमा करता था। ही ले डाउन ऑन द ग्रैसी बैंक एंड स्टेड देयर टिल लेट इन द आफ्टरनून, वो लेट गया और दोपहर तक का इंतजार करने लगा। एज द सन वॉज सेटिंग, जब सूर्य अस्त हो रहा था, रिप रोज गो कम वुल्फ, फिर रोज रिप कहता है कि चलो वुल्फ चलते हैं। ही सेड टू हिज डॉग लेट गो होम नाउ, अब हम घर चलते हैं। पर हैव्स हर टेम्पर वॉज कोल्ड हिज टाइम, हो सकता है कि अब उसकी पत्नी मतलब कि वो कहता है कि मेरी पत्नी का गुस्सा क्या ठंडा हो गया होगा। दो आई फियर डैट मे हैव समथिंग टू से टू अस फॉर स्टेइंग अवे सो लॉन्ग, ठीक है, लंबे समय तक दूर रहने के बाद वो कह सकता है कि मैंने बहुत तलाश किया या फिर कुछ मिला नहीं। देन दे वर अबाउट टू वॉक डाउन टू द हिल, फिर वो क्या हुआ पहाड़ियों के नीचे उतरने लगे, मैंने वॉइस कॉल्ड आउट, तभी एक आवाज़ आती है फ्रॉम रिप वन विंकल, जो कि उसका नाम से पुकारा जाता है पीछे से। बी वाइल्डर्ड, भ्रम में देख करके रिप लुक्ड ऑल अराउंड, चारों तरफ देखता है। एट फर्स्ट ही सॉ नथिंग बट अ क्रो, उसे कुछ नहीं दिखता सिवाय एक कौवे के। देन ही नोटिस्ड अ लॉन्ग वे ऑफ अ स्ट्रेंज लिटिल मैन, फिर देखता है कि दूर से एक छोटा सा कोई शॉर्ट आदमी चला आ रहा था। वेन केक अपॉन हिज शोल्डर, जबकि उसके कंधे पर क्या था, एक ड्रम टाइप का था, ये कह सकते हो कि एक बड़ा सा घड़ा या फिर बर्तन टाइप का, कलश टाइप का। रैम वॉन विंकल द वॉइस कॉल्ड आउट अगेन, फिर से आवाज़ आती है। रिप वॉक्ड अक्रॉस हिल साइड अंटिल, ठीक है, फिर से वो क्या होता है पहाड़ी की तरफ चल पड़ता है। अंटिल ही केम नियर द मैन, जब तक कि वो उस व्यक्ति के करीब नहीं आ गया। डिड यू कॉल मी सर, रिप आस्क विथ वंडर, रिप जो हैरानी से उसे पूछता है क्या आपने मुझे आवाज़ लगाई। द मैन डिड नॉट रिप्लाई, व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता। इंस्टेड ही मेड अ साइन एज हिफ से सो, प्लीज़ कैरी दिस हैवी केक अप टू द हिल फॉर मी, ठीक है, बजाय कि उसे इशारा करता है कि कृपया करके ये जो मेरे ऊपर जो बर्तन है उसको तुम उस पहाड़ी के ऊपर लेके चलो। नाउ रिप दो ही वॉज आइडल इन द हिज टाउन होम, यदि रिप क्या था वो बहुत ही लेजी आदमी था, अपने घर में मतलब इस चीज़ के लिए फेमस था। आई डिड नॉट केयर फॉर हार्ड वर्क, और कभी कठिन मेहनत काम नहीं करता था। वॉज ऑलरेडी रेडी टू हेल्प अदर पीपल, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। शो ही टुक द केक अपॉन हिज शोल्डर, इसलिए उसको क्या करता है अपने कंधे पर रख लेता है। एंड बोथ मैन बिगेन टू ट्रज अप टू द हिल, ठीक है, और पहाड़ियों के पगडंडियों के रास्ते वो ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। आफ्टर अ वाइल दे केम टू अ हॉलो अमंग द हिल्स, ठीक है, कुछ टाइम चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जो मतलब पहाड़ी का निचला हिस्सा या खोखला हिस्सा था, ठीक है। रिप सॉ अ क्राउड ऑफ मैन, रिप फिर क्या देखता है कि एक व्यक्तियों का झुंड रहता है। दे वर प्लेइंग अ गेम इन नाइन पिंस, ठीक है, वो नाइन पिन का गेम खेलते हैं,
बॉल के साथ, दे रोल्ड अलॉन्ग मेड अ नॉइज़ लाइक थंडर, ठीक है, और वो लोग सभी मतलब एक साथ बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहे थे। अगला देखिए, स्ट्रेंज मैन डे वर टू, वहाँ पे एक व्यक्ति बिल्कुल अजीब टाइप का था, वन हैड अ लार्ज हेड, जिसका बहुत बड़ा सिर था, ब्रॉड फेस, चौड़ा उसका चेहरा था, स्मॉल आइज लेकिन आंखें छोटी थी, लाइक द आइज ऑफ अ पिग, जैसे कि सूअर की आंख होती है, अनदर हैड फेस, एक का चेहरा ऐसा था, विच सीम टू बी ऑल नोज, ऐसा लगता था वो बड़ी सी नाक हो, द लीडर वॉज फैट ओल्ड फेलो, जो उसका लीडर था वो कोई बुजुर्ग आदमी था, विथ अ सन बर्नड फेस, जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, ही वोर अ लेस्ड जैकेट, वो एक जैकेट पहना हुआ था, ब्रॉड बेल्ट, एक चौड़ी सी बेल्ट, तलवार रखा था, एंड हाई हैट, और ऊंची हैट लगा रखा था, विद अ फीदर एंड, जिसके ऊपर पंख भी बने हुए थे, रेड स्टॉकिंग, और लंबा एक लाल रंग का मोजा पहन रखा हुआ था, एंड हाई हील शूज, और शूज़ भी उसके हाई हील के थे। एज सून एज द प्लेयर सॉ हाउ द केक, जैसे ही खिलाड़ी लोग केक को देखते हैं, दे स्टॉप देयर गेम, ठीक है, वो खेलना बंद कर देते हैं, द लिटिल मैन Who had come with Rip, छोटा आदमी जो रिप के साथ आया रहता, opened the cake, केक को खोलता है, he poured out a drink for each of the others, वो प्रत्येक लोगों को वो ड्रिंक देता है, he made a sign of Rip to hand out the cups, उसने भी रिप को भी इशारा करता है अपने कप मतलब कि कप में देने के लिए, द मैन सीम टू बी थर्स्टी, क्योंकि व्यक्ति हमेशा प्यासे प्रतीत होते हैं, बिकॉज ऑफ द गेम, गेम खेलने की वजह से, दे ड्रैंक ईगरली, उस वक्त वो आपस में सभी पी जाते हैं, बैक दे वेंट टू दियर गेम, ठीक है, फिर से वो नाइन पिन वाला गेम खेलने लगते हैं, रिप वॉज थर्स्टी टू, रिप को बहुत प्यास लगी थी, बट दे डिड नॉट थिंक ऑफ गिविंग हिम सो ड्रिंक, लेकिन उन्होंने सोचा उसको देने के लिए, सो वेन नो बडी वॉज लुकिंग, रिप टुक वन सिप फ्रॉम द केक, जब कोई देख नहीं रहा था, सब खेलने में व्यस्त थे, तो रिप क्या करता है, उस ड्रिंक को चुपके से पी लेता है, एक सिप लगा लेता है, अ गुड ड्रिंक, यह पीने में बहुत अच्छा था, ठीक है, ही विस्पर टू हिमसेल्फ, स्वयं से कहता है, देन ही टुक अ लिटिल मोर, फिर वो थोड़ा और पी लेता है, और पी लेता है, बिफोर लॉन्ग रिप बिगेन टू फील क्वाइट ड्राउजी, फिर उसको बहुत नींद आने लगती है, ठीक है, देन ही फॉल फास्ट अस्लीप, और फिर सो जाता है, वेन रिप वोक अप, जब वेन रिप जागा, ही फाउंड हिमसेल्फ स्टिल ऑन द ग्रीन हिल साइड, वह अपने आप को पहाड़ियों के हरे भरे जंगल में पाता है, ही रब्ड हिज आइज बिकॉज इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, जब उसकी आंखें खुलती हैं उस टाइम पे सुबह का टाइम था, और मतलब कि सन बहुत तेज़ी से चमक रहा था, द बर्ड वर हॉपिंग एंड चर्पिंग, चिड़िया चहचहा रही थी और उछल कूद कर रही थी, एमंग द बुशेज झाड़ियों में, एंड ईगल वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, और ईगल जो है ऊँचे आकाश में उड़ रहा था, अबव हिज हेड, उसके सिर के ऊपर, आई मस्ट हैव स्लेप्ट द होल नाइट थॉट रिप, रिप सोचता है कि मैं पूरी रात भर सोया हूँ, ही लुक्ड अराउंड फॉर मैन, वो अपने चारों तरफ व्यक्ति को देखता था, हु हैड बीन प्लेइंग नाइन पिंस बट देवर नॉट टू बी सीन एनीवेयर, ठीक है, उसने देखा कि वहाँ नाइन पिन गेम जहाँ पे चल रहा था, नाइन पिन तो था लेकिन वहाँ पे कोई दिखाई नहीं पड़ता है गेम खेलते हुए, हिज डॉग वुल्फ हैड वैनिश्ड टू, और उसका जो कुत्ता रहता वुल्फ वो भी गायब हो चुका था, बट हिज गन वॉज स्टिल लाइंग बिसाइड, उसकी गन जो है उसके बगल में पड़ी हुई थी, रिप वॉज सरप्राइज टू सी, रिप ये देखकर के हैरान हो जाता है कि इट वॉज ईटन अवे विद द रेस्ट, उसकी जो गन होती है वो उसमें जंक लग चुका होता है, अमंग द फेलिंग टू पीसेस, यहाँ तक कि वो दो टुकड़ों में दिखाई दे रहा था, रिप स्टूड अप लिफ्टेड हिज रस्टी गन, रिप जाग जाता है और अपनी गन को उठा लेता है, एंड वेंट टू द लुक फॉर मैन हुम ही हैड सीन द नाइट बिफोर, ठीक है, फिर वो देखने लग जाता है कि जो उससे पिछली रात को वो देखा हुआ था, दे हैव प्लेड सम मीन ट्रिक ऑन मी, वो ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे ऊपर कोई ट्रिक या कोई गेम या फिर मेरे ऊपर जादू कर दिया है, सेड रिप इन द एंजर, क्रोध में अपने आप को कहता है, आई शैल गिव देम व्हाट दे डिजर्व, और उनको मतलब कि पनिश करने की सोचता है कि जैसा कि वो इसके कैपेबल हैं, फॉर एन आवर आर मोर, एक घंटे के बाद या एक घंटे से ज़्यादा, रिप हंटेड अमंग द हिल एंड वैली, उसी पहाड़ियों और घाटियों के बीच में क्या होता है वो शिकार करने के पर्पज से घूमता रहता है, बट ही कुड फाइंड नीदर द कीर लिटिल मैन, लेकिन उन्होंने वो अजीब जो छोटे बौने आदमी थे ना वो दिखाई पड़ते हैं, नॉर द प्लेस, और ना वो जगह वेयर दे हैड प्लेड देयर गेम, जहाँ पर उन्होंने गेम खेला था, एट द लास्ट, अंत में क्या होता है, फीलिंग वेरी टायर्ड एंड स्टिफ,
थका हुआ और बहुत ही मतलब कि अपने शरीर में अकड़न को पा अकड़न उसके शरीर अकड़ जाता है। ही सेट अप फॉर द विलेज, फिर वो अपने गांव के लिए चल पड़ता है। आई एक्सपेक्ट डैट डेम विल हाफ किल मी फॉर द स्टेइंग आउट ऑल नाइट, और कहता है कि मतलब कि ये जो है वो मुझे पूरी तरह से आधे तरीके से मार दिया है इस रात को। ही सेड एज ही ट्रज अलॉन्ग, और वो पगडंडियों के सहारे चल पड़ता है जहाँ से मतलब कि वो आया था। व्हेन ही रीच्ड द विलेज, जब वो गांव पहुँचता है, देयर वाज मोर सरप्राइज वेटिंग फॉर हिम, वो देख कर के बहुत हैरान हो जाता है कि लोग उसका क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। द शॉप्स वर स्ट्रेंज, अब उसकी जो दुकानें थी वो बिल्कुल अजीब लग रही थी। हाउसेस हैड चेंज, घर बिल्कुल बदल चुके थे। रिप डिड नॉट नो द पीपल हुम ही मेट, और रिप को लोग कोई भी पहचान नहीं पा रहा था जिससे वो मिला करता था गांव में, चाहे सड़क पे हो, चाहे क्लोज वर ऑफ अ काइंड या किस तरह का कपड़ा भी हो। विच ही हैड नेवर सीन बिफोर, जिस तरह के लोग कपड़े पहने हुए थे वो पहचान नहीं, मतलब कि पूरी तरह से बदल चुका था, ठीक है, पूरा फैशन ही चेंज हो चुका था गांव का। लास्ट पेज है आपका। द चिल्ड्रन लाफ्ड, बच्चे हंस रहे थे उनको उसको देख करके। डॉग बार्क हिम, कुत्ते भी उसके ऊपर भौंक रहे थे, उसके साथ साथ चल रहे थे। टू टेल द ट्रुथ, इट वॉज नो वंडर डैट दे डिड, ठीक है, वो सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो हैरान था कि लोग उसकी बातों पे बिलीव नहीं कर रहे थे। बट रिप्स बियर्ड हैड ग्रोन वेरी थिक, लेकिन उस रिप की जो दाढ़ी थी वो मतलब कि बहुत ही घनी और मोटी हो गई थी। हिज क्लोथ्स वर टैटर्ड एंड टॉर्न, उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। एट लास्ट रिप क्राइड टू द पीपल हु स्टेयर्ड इट, और अंत में क्या होता है, रिप उन लोगों के ऊपर चिल्लाता है जो उसे घूर रहे थे। डज नो बडी हियर नो हिम, और कोई इसकी कोई इसको सुन नहीं रहता। आई एम रिप, वो बोलता था मैं रिप वॉन विंकल हूँ। जस्ट देन अ यंग वुमन केम अलॉन्ग, ठीक है, तभी क्या होता है, एक यंग वुमन आती है। डिड यू से रिप वॉन विंकल, तुमने क्या कहा, तुम्हारा नाम रिप वॉन विंकल है? शी आस्क्ड, वो पूछती है। माई फादर वॉज कॉल्ड बाई डैट नेम, कहते कि मेरे पिता इस नाम के द्वारा जाने जाते हैं। वन डे वेन आई वॉज अ लिटिल गर्ल, कहती है कि जब मैं छोटी लड़की थी, ही वेंट अवे विल विद हिज डॉग, वो अपने कुत्ते के साथ पहाड़ियों पर चले गए थे। वुल्फ एंड हिज गन, साथ ही साथ उनके साथ एक बंदूक भी था। हिज डॉग केम होम विदाउट हिम, उनका कुत्ता उनके बिना आ गया था। बट माई पुअर फादर हैज़ नॉट बीन सीन्स डैट डे, लेकिन उस दिन से मेरे पिताजी वापस नहीं आए। हाउ लॉन्ग अगो वॉज डैट माई गुड यंग लेडी आस्क्ड, कहता है, फिर वो रिप पूछता है, कहता है यंग लेडी किस, तुम कौन से लंबे समय की बात कर रही है? फुल 20 ईयर्स अगो, शी आंसर्ड, वो जवाब देती कहती 20 साल पहले। 20 ईयर्स क्राइड रिप, रिप चिल्ला के कहता है 20 साल बीत गए, देन आई मस्ट हैव स्लेप्ट फॉर 20 ईयर्स, इसका मतलब कि मैं 20 सालों तक सोता रहा हिल साइड पर। दो इट सीम्स बट वन नाइट टू मी, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये सिर्फ एक ही रात है। आई एम योर फादर रिप वॉन विंकल, मैं तुम्हारा पिता हूँ रिप वॉन विंकल, ही क्राइड टू द यंग वूमन, वो उस अपनी मतलब कि यंग वूमन पे बोलता है। द लिटिल मैन हु प्लेड 9 पिंस मस्ट हैव बीन फेरी मैन, और कहता है कि 9 पिन जो गेम खेल रहे तो वो जरूर ही कोई मतलब परियों से आए हुए व्यक्ति रहे होंगे। रिप एक्सप्लेन्ड आफ्टरवर्ड, फिर क्या होता है, रिप एक के बाद सारी चीज़ें बताता है। एंड ड्रिंक उस ड्रिंक के बारे में, विच आई टुक फ्रॉम केक, जो मतलब कि उस केक से उसने चुपके से पी लिया था। मस्ट हैव बीन अ मैजिक वंस, और अवश्य कोई जादुई चीज़ रही होगी। सेंट मी टू द स्लीप 20 ईयर्स, जो मुझे 20 सालों तक सुला रखी थी। डेम हैड डाइड वाइल रिप वॉज अवे, फिर क्या होता है, डेम की मृत्यु हो जाती है जब मतलब कि रिप वहाँ पर नहीं रहता है। रिप्स हाउस, एंड रिप्स हाउस हैड ऑल्सो फॉलन डाउन, रिप का घर जो होता है इस दौरान क्या होता है, गिर चुका होता है, ठीक है। ही वेंट टू लिव विथ हिज डॉटर, और वो क्या होता है, उसकी जो लड़की होती है वो डेम के साथ रह रही होती है। द रेस्ट ऑफ हिज डेज ही स्पेंट इन पीस, और उसके बाद जो होता है बाकी बचे हुए जो दिन थे वो मतलब कि शांति के साथ बिताता है। टेलिंग स्टोरीज टू द विलेज चिल्ड्रन, और यह स्टोरी जो होते हैं उन गाँव के बच्चों को भी सुनाता है। एंड वी मे बी श्योर, और हम सुनिश्चित थे, दे वर बेटर स्टोरीज देन एवर, और कहता है कि ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छी कहानी थी उसके खुद की। यहाँ पे आपका सेंट लेसन्स ख़त्म हो जाता है, ठीक है,
बेटा आप लोग काम करना कि इसको आप लोग वॉइस रिकॉर्ड करके भेज चुके हो। नेक्स्ट जो होगा मुझे क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बाद में भेज दूँगा। आप लोग इसको पढ़ करके आपकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जो मैंने कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे टिक कर रखे हैं उसके मैं पेजेस आपको भेज दूँगा, इधर के और इधर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में लिखा दूँगा, राइट। तो आप लोग क्या करना, इसकी रीडिंग तो आप लोग कर चुके हो, है ना। ये चैप्टर भी आप लोग वीडियो देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, और टफ वर्ड की मीनिंग मैंने बता दिया, एक्सरसाइज के पेजेस मैं आपको भेज दूँगा। इतना आपको काम करना पड़ेगा और क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।